नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, आयुर्वेद चिकित्सक, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद संजीवन पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्वास्थ्य संबंधित नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें। साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, आज शरद ऋतु में, यानी कि अभी जो ऋतु चल रही है वर्तमान काल में, इसको शरद ऋतु कहते हैं। इसका काल जो है 15 सितंबर से लेकर मध्य नवंबर, यानी 15 नवंबर तक का इसका काल शास्त्र में कहा गया है। इस ऋतु को शरद ऋतु कहते हैं। तो इस ऋतु में हमें किस प्रकार का आहार विहार हमारा होना चाहिए, जिससे कि हम इस ऋतु में अपने आप को फिट रख सकें, आरोग्य रह सकें। तो दोस्तों, आज का विषय शरद ऋतु में आहार विहार के चर्चा पे है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं शरद ऋतु में हमारा आहार विहार किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार के आहार विहार का हमें पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं शरद ऋतु में आहार विहार के बारे में। दोस्तों, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है, यानी कि जो अभी पिछला ऋतु बीती है उसको वर्षा ऋतु थी। वर्षा ऋतु में स्वाभाविक है कि मेघ, वायुमंडल मेघ से आच्छादित रहता है, सूर्य की किरणें जमीन पर उतनी नहीं पड़ती हैं और नमी रहती है। ऐसी स्थिति में जब उस बादल छट जाते हैं और शरद ऋतु का आगमन होता है, तो ऐसे में सूर्य की किरणें तीक्ष्ण हो जाती है, बहुत तेज़। आप बाहर निकल के जज करें, देखें कितनी तेज़ धूप लग रही है। ऐसी स्थिति में दोस्तों, जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं इस धरा पे, इस धरती पे, हमारे शरीर पे, तो उससे अग्नि का वर्धन होता है। यानी कि जैसे सूर्य की ऊष्मा है तो हमारे शरीर पर जब आएगी तो हमारे शरीर के अंदर की जो ऊष्मा होती है वो बढ़ती है। ऐसे में वो ऊष्मा जो हमारे शरीर के अंदर रहती है उसको पित्त दोष कहते हैं। पित्त दोष जो अग्नि महाभूत से मिलकर बनती है। ऐसी स्थिति में जो दोस्तों वर्षा ऋतु में जो पित्त दोष संचय हो रहा था, यानी इकट्ठा हो रहा था, शरद ऋतु में सूर्य के किरणें पड़ते ही वो प्रकोप, यानी कि फैलना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों जब भी पित्त प्रकोप का काल आता है, वो शरद ऋतु में पित्त दोष हमारा बढ़ा रहता है। इसीलिए आप सामान्य रूप से जज करेंगे कि आपको जो पहली दिक्कतें आती हैं वो गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेज आती हैं, यानी कि उदर विकार, पेट से संबंधित समस्याएं इसमें बढ़ जाती हैं इसी ऋतु में। क्यों? क्योंकि इसमें पित्त जो है उत्सर्जित होता है, पित्त बढ़ जाता है। ऐसे में वोमिटिंग टेंडेंसी, उदर स्वोल, पेन एब्डोमेन जो कहते हैं, पेट का दर्द, लीवर डिसऑर्डर, खासतौर से त्वचा संबंधी विकार इसमें और बढ़ जाते हैं। और जो जितने इन्फेक्टिव बैक्टीरिया वगैरह, विषाणु जीवाणु हैं, सब और एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमारा जो अग्नि होता है वही विकृत हो जाती है और जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए इस ऋतु में अपने आप को बेहद सावधानी से बचा करके और आहार विहार का खास तौर से पालन करना चाहिए, नहीं तो आप विकार ग्रसित हो जाएंगे, रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस शरद ऋतु में जो सितंबर, अक्टूबर और मध्य नवंबर तक का जो काल आता है, इसमें किस पित्त दोष का वर्धन होता है। जब पित्त दोष बढ़ता है तो पित्त दोष के समन के लिए जो रस बताए गए हैं वो है तिक्त, कषाय और मधुर। ये तीन रस ऐसे होते हैं जो पित्त दोष का शमन करते हैं। तिक्त रस प्रधान जो खाद्य पदार्थ जैसे परवल है, करेला है, और मधुर रस वाले जो भी द्रव्य होते हैं उनका सेवन इसमें करना चाहिए। खासतौर से अगर घी है, शहद है, इसका सेवन करें। और पुराने अन्नपान जैसे गेहूँ है, पुराना गेहूँ है, साली चावल या अगहनी चावल का इसमें सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में मूंग की दाल, पत्ते है, खांड जिसको खांड राप कहते हैं, खांड का सेवन इसमें करना चाहिए। गुड़ का सेवन करें, दही का सेवन वर्जित है, दही थोड़ी सी उष्णवीर होती है। तो इस ऋतु में दही है, मत्स्य यानी कि आंध्र प्रदेश जिसे जल में उत्पन्न होने वाली जो भी चीज़ें हैं, खासतौर से जैसे मछली है, उसका सेवन अपथ्य होता है, यानी कि इस ऋतु में दही का और मछली का सेवन न करें। साथ ही दोस्तों, मूंग की दाल वाली खिचड़ी, परवल जैसा कि हमने बताया, मिश्री का सेवन करें, शहद का सेवन करना ही है। और सबसे ज़रूरी है भूख लगने पर खाएं। अगर आपको भूख लग रही है तो उसको अवॉइड ना करें, ऐसे स्थिति में आपका पित्त और प्रकोपित हो जाएगा। तो भूख लगने में मध्यम मात्रा में आहार करें, भरपेट भोजन ना करें, यानी कि बहुत ज़्यादा अति मात्रा में भोजन करने से बचें। गर्म मसाले वाले जो भोजन होते हैं खासतौर से, उनका सेवन कम से कम करें। सौंफ जो होता है, सौंफ मिश्री आप भोजन के उपरांत सौंफ का सेवन करें। भोजन के बाद जो भोजन कर लेते हैं उसके बाद आप भुने हुए जीरे का चूर थोड़ा सा ले सकते हैं, आधा चम्मच उसका सेवन कर सकते हैं। और ख़ास तौर से इस ऋतु में दोस्तों दिवा शयन वर्जित है, आप दिन में न सोएं। अगर रात में अगर आप बाहर सो रहे हैं, छत पे सो रहे हैं, तो आप मध्य रात्रि में यानी कि 9 बजे 10 बजे के बाद आप घर के अंदर आ जाएँ, बाहर न रहें। वो नहीं कि यानी कि ओस से बचें, जो इस समय ओस गिरती है वो दोषकारक होती है, इसलिए उस ओस से बचना है। साथ ही दोस्तों, इस ऋतु में
घी तेल युक्त वाली, अगर घी आप ले रहे हैं तो कम मात्रा में लें। चर्बी युक्त यानी कि जो अदर जो तैली द्रव्य होते हैं, खासतौर से जो नॉनवेज में वसा युक्त जो मांसाहार होते हैं, उनका सेवन आप न करें। तीक्ष्ण मध्य यानी कि बहुत ज़्यादा मध्य का सेवन वर्जित बताया गया है, हल्का मध्य का सेवन कर सकते हैं, तीक्ष्ण मध्य और ज़्यादा मात्रा में मध्य का सेवन न करें। और दोस्तों सबसे ज़रूरी है धूप से बचें, यानी कि इस ऋतु में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो प्रयास करें कि अपने शरीर के अंगों को ढक करके निकलें, यानी कि बहुत तेज़ धूप आपको ना लगे। अगर आप बीच में कहीं लगता है कि हाँ धूप यहाँ पे कम लग रही है तो आप वहाँ पे रुकें, वहाँ पे स्टे करें, धूप डायरेक्ट आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा देर तक ना लगे, धूप से ज़रूर बचें। इसीलिए दोस्तों इस ऋतु में, शरद ऋतु में जो ये दिनचर्या आहारचर्या ऋतुचर्या का वर्णन किया गया है शरद ऋतु में, इसका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से आहार का। इसलिए भरपेट भोजन न करें, पानी का एक बार में ज़्यादा मात्रा में सेवन न करें, भूख भोजन उतना ही करें जितना आपको आप आसानी से पचा ले जाएं, लगे कि हाँ हमारा पेट सम्यक है, मोशन का दिक्कत नहीं हुई, पेट बढ़िया साफ़ हो रहा है। ऐसी स्थिति में सम्यक आहार का ही सेवन करें। फलों में पपीता, सेब, संतरा, अनार, अनार का सेवन ज़रूर करें। पपीता का सेवन बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा सा औषधीय होता है तो पपीता का सेवन कम करें। केले का सेवन चूँकि एनर्जेटिक होता है तो केले का सेवन आप अपने कोष्ठ को देखते हुए, क्योंकि कभी कभी ये मलबद्धता का काम करता है, ऐसी स्थिति में केले का सेवन कभी कभार किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों नींबू चीनी नमक पानी का घोल बना के, जैसे शरबत जैसे बनता है, अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इस ऋतु में इस प्रकार के खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें। साथ ही दोस्तों इस ऋतु में जब पित्त दोष बढ़ा होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में बनाया पंचकर्म इस ऋतु में योग्य होता है, तो इस ऋतु में अगर हम पंचकर्म कराते हैं तो विरेचन कर्म और रक्तमोक्षण, ये दो प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं जो इस ऋतु में पथ्य होती है, बेस्ट होती हैं, ये दोनों प्रक्रियाएं आप इस ऋतु में करा सकते हैं। तो दोस्तों अगर शरद ऋतु में हैं आप, इस ऋतु में शरद ऋतु है, तो इसी रूटीन से, इसी आहार विधि से दिवस और दिनचर्या का आप फॉलो करें, पालन करें, तो आप शरद ऋतु में जो होने वाले अधिकतर विकार हैं उनसे बच सकते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों जो आहार द्रव्य हमने बताए हैं उसको पालन करें, उसको फॉलो करें, उसी का सेवन करें। आज का जो विषय था दोस्तों शरद ऋतु में आहार और विहार किस प्रकार का होना चाहिए, आप इसी के अनुसार अपनी दिनचर्या को इन दो महीनों में अपने आप को फॉलो करें। तो दोस्तों आज का जो विषय था शरद ऋतु में आहार विहार कैसा हो, ये विषय यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये विषय पसंद आया है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को, अपने जानने वाले को शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुँच सके। तो दोस्तों इसी के साथ आज का विषय यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।